दर्शकों में कभी कभी एक ऐसी मूवी आती है जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। ऐसी ही फिल्म 1 दिसंबर 2023 को एनिमल वर्ल्ड वाइड थिएटर पर रिलीज की जाती है और इस मूवी ने अपने शुरुआती दिनों में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तो और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 900 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा। लेकिन ये मूवी यहीं खत्म नहीं होती है। इस मूवी के एंड सीन में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले एनिमल मूवी पार्ट 2 के बारे में। तो गाइज चलिए जानते हैं कि इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा, इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इस मूवी में कौन कौन से नए किरदार आपको देखने को मिलेंगे, इस मूवी की शूटिंग कैसे की जाएगी। गाइज बात करें मूवी के टाइटल की तो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने इस मूवी के टाइटल को एनिमल पार्क रखा। और बात करें रिलीज डेट की तो यार टी सीरीज ने ये कंफर्म किया है कि इस मूवी को 2025 के मार्च महीने में रिलीज कर दी जाएगी। और यार इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो जब आप इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में पता चलता है, क्योंकि एनिमल मूवी की स्टोरी में रणविजय के कज़न यानी अबरार रणविजय के फादर बलबीर सिंह को मारना चाहते हैं और उससे स्वास्तिक स्टील की कंपनी को अपने पास लेना चाहते हैं। तो इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो रणविजय के पास जोया को भेजते हैं जिससे रणविजय उसके साथ बिजी रहे और अबरार अपने प्लान को अंजाम देता है और बलबीर सिंह को मार देता है। लेकिन जोया रणविजय को सारी बातें बता देती है और प्लान को पूरी अच्छे से तरीके से समझा देती है जिससे बलबीर सिंह से पहले रणवीर अबरार को मार देता है। और बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन में तो हमें ये दिखाया गया है कि अबरार के छोटे भाई को रणवीर कपूर का बॉडी क्लोन बनाया गया है और जोया से ये कन्फर्मेशन लिया गया कि उसकी बॉडी और रणविजय की बॉडी एकदम टू कॉपी मैच कर रही है या नहीं, और बॉडी क्लोन बहुत अच्छे तरीके से बना है या नहीं, क्या कोई उसे पहचान तो नहीं पाएगा। और उसके बाद रणवीर कपूर के दो आदमियों को वो मार देता है उस वहीं पे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 2 में हमें रणविजय का दोबारा एनिमल का कैरेक्टर देखने को मिलेगा और यार उस बॉडी क्लोन तो बलबीर सिंह को मारने की दोबारा कोशिश करेगा जिससे यार फिल्म में तो पूरी खून की नदियां बहने वाली। और गाइस बात करें एनिमल 2 के न्यू कैरेक्टर्स की तो उसमें आपको एक कैरेक्टर जोया का बेटा देखने को मिलेगा और दूसरे कैरेक्टर यानी अबरार के छोटे भाई की बात करें तो उसको निभा रहे हैं बबलू पृथ्वीराज, तेलुगु के एक बहुत बड़े एक्टर जो अबरार के छोटे भाई का रोल को निभा रहे हैं। वेल आई होप आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी। और मूवी की बात करो तो यार इसका इंतजार तो हम सभी को रहेगा क्योंकि यार स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग है तो यार मूवी कैसी होगी, मतलब एनिमल से भी ज़्यादा खतरनाक एनिमल 2 होने वाला है। और भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाओ ना यार, क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।